क्या होती उतरन। इतना वक्त लगता है जमाने के लिए? देखिए ठाकुर साहब, अब पुलिस अगर अपने काम में ढिलाई बरतती है तो आप लोग कहते हैं कि पुलिस निकम्मी है, और पुलिस फटाफट काम करती है तब भी आप सवाल करते हैं। हम भी क्या करें ठाकुर साहब, हमारे हाथ कानून से बंधे हैं, सुबह तक तो बेल नहीं होगी। एक मिनट ठाकुर साहब, इंस्पेक्टर साहब, मिसेस खुराना बोल रही हूँ। उस औरत को आपने अरेस्ट किया था ना, क्या नाम था उसका? दामिनी। हाँ, उसे प्लीज छोड़ दीजिए। मतलब? सुनिए मैडम, इस तरह किसी को अरेस्ट करना मजाक है क्या? आई नो इंस्पेक्टर साहब, लेकिन वो कंगन मिल गए हैं। ये नौकर भी ना, कोई भी चीज कहीं भी रहने नहीं देते। अरे तो ये सब आपको पहले चेक करना चाहिए था ना, बेवजह हमारा वक्त बर्बाद किया आपने। मैं समझ सकती हूँ इंस्पेक्टर साहब, बेकार में मैंने आप लोगों को परेशान किया। मैं अपनी कंप्लेन वापस लेती हूँ, प्लीज उसे छोड़ दीजिए। थैंक यू। कदम भाई, छोड़ दो उसे। लीजिए ठाकुर साहब, बिना जमानत रिहाई। मिसेस खुराना का फोन था, अब कहती हैं कि उनका कंगन उन्हें मिल गया। अब ये लोग भी देखो, बिना सोचे समझे कंप्लेन कर देते हैं। हम जानते थे हमारी नौकरानी चोरी नहीं कर सकती। सॉरी ठाकुर, खैर आप उन्हें ले जा सकते हैं। तुम्हारी किस्मत अच्छी थी, उसका कंगन मिल गया, जा सकती है तू। तुम सब भी जा सकते हो। मैं कहती थी ना इंस्पेक्टर साहब कि मेरी बच्ची निर्दोष है, उसने कुछ नहीं किया। Thank you.
ठीक है ना बेटा? रोना बंद कर बेटा, देख मैं आ गई ना, मैंने तुझसे कहा था ना मैं आ जाऊंगी, रोना बंद कर। अम्मा क्या उन्होंने तुझे मारा? जैसे मस्ती के मुन्ना जोक को मारा था? को भूख लगी है ना? मैं अब भी खाना लेकर आती हूँ बेटा। और सो हो गया खाना बेटा? की चल बेटा आजा खाना खा ले। आजा तू खा, तूने भी तो कुछ खाया नहीं है ना? रात में नहीं आती तो मैं क्या करती? अरे ऐसे कैसे नहीं आती मैं? जहाँ मेरी इचकी वहाँ उसकी अम्मू है ना? अम्मू मेरे को बात बता, तू तो सच्ची थी ना, फिर किसी ने तेरी बात क्यों नहीं मानी? चोरी भी नहीं की थी ना? तो फिर वो लोग तेरे को जीप पे बिठा के क्या ले गए? अम्मा हाँ बेटा, उस दिन लाली ने भी मेरे को मारा था, झूठ बोला, लेकिन किसी ने भी मेरी बात नहीं मानी। कोई हमारी बात क्यों नहीं मानता? जल्दी से पानी पी ले, चल पानी पी। हिचकी तू भी थक गई है ना अभी? चल सो जा बेटा।